कितना प्यारा सूट, वाओ सो नाइस। वो भी लॉन में, प्रिंटेड लॉन में, गले दामन में, थ्री पीस में। अस्सलामुअलैकुम, जेएस लाइफ की तरफ से आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। क्या हाल है आपका? आई होप आप ठीक ठाक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो आज का भी लोग स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम हो चुका था, जैसा कि आप जानते हैं समर की मॉर्निंग है, गर्मियां हो चुकी है काफ़ी हद तक, बहुत तेज़ी से जा रही है गर्मियां। और इस दफ़ा तो जहां देखो सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि गर्मियां आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। इस टाइम गर्मियां जल्दी आ चुकी है, ये कह रहे आप, क्योंकि ये जो दिन हैं इन दिनों इस हद तक गर्मी नहीं होती है, लेकिन इस बार काफ़ी हद तक गर्मी हो चुकी है। तो मॉर्निंग का टाइम था, सुबह का टाइम था, मैंने बर्तन धो लिए थे और मैंने कहा मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी डेली की रूटीन इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मैं कोशिश करूँगी जो मेरी डेली की रूटीन होती है, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की एंड इवनिंग की, जो मेरी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक या दिन के किसी टाइम की भी जो भी मेरी रूटीन होती है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करूँगी और मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों ने मेरी वीडियो डेली वॉच की, तो इंशाल्लाह आपकी सिस्टर, आपकी आपी इंशाल्लाह डेली वीडियो अपलोड करेगी, ठीक है। तो यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो, और जल्दी से लाइक भी कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो। बहुत शुक्रिया जी आप सब बहन भाइयों का साथ देने के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली का जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, जो मेरे साथ कनेक्ट है, जो मेरे साथ ऑलरेडी ज्वाइन है और जो मेरे चैनल पर न्यू आए, उनको भी मैं वेलकम करती हूँ। यहाँ पर मैं कटिंग कर रही थी, जो फालतू कपड़ा था उसकी कटिंग कर रही थी, और आप कहेंगे हमारी आप ही क्या काम करी और क्या करी, हमें कुछ बताया ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अच्छी सी बात बताती चलो, ये मैं बना रही थी, अच्छी सी बात ये थी कि मैं पर्दा बना रही थी, और पर्दा किस चीज़ का बना रही थी ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैंने कहा जल्दी से अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी वीडियो शेयर कर दो, कब से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो इस वजह से चलते हैं जी। चले, मैं आपको बता रही थी ये पर्दा था, और पर्दा मैं बना रही थी, हमारी एक छोटी सी जगह है वहाँ, उसके सामने मैंने पर्दा करना था, उसके लिए बनाना था, तो इस वजह से मैं पर्दा बना रही थी। और मैं आज सुबह अपना जो घर का काम होता है वो ख़त्म करके बैठ चुकी थी सिलाई मशीन पर, क्योंकि टाइम काफ़ी लगना था, तो इस वजह से मैं, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ, और साथ साथ मैं छोटे छोटे क्लिप भी आप लोगों के लिए बना रही थी। आपकी आपकी जब बातें करना स्टार्ट करती है ना, तो यकीन माने फिर चुप तो होती नहीं, खामोश तो होती नहीं है। तो यहाँ पर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैंने बातें स्टार्ट की, वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया, तो खामोश रहने का नाम तो मैंने लिया ही नहीं। तो अच्छा जनाब, तो मैं कह रही थी कि लोन के सूट आ चुके हैं, और आप लोगों ने अपने लिए लोन के सूट लिए या नहीं लिए मुझे कमेंट करके बताना है, और अपने कमेंट में अच्छे अच्छे फीडबैक देना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स देखकर पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये लोन का सूट था, थ्री पीस था, गले दामन में था और प्रिंटेड था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। अच्छा, मैं आप कहेंगे ये आप ही ने ईद के लिए लिया, नहीं जी मैंने ईद के लिए नहीं लिया है। तो मैं जब भी मैं ईद के लिए लूँगी या ईद के लिए मैंने स्टिचिंग करवाऊँगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसका रिव्यू या उसकी मतलब जो भी बात हुई इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं ईद का सूट भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी आज भिंडी साहिबा, आप कहते भिंडी साहिबा या भिंडी बेगम कहते, दोनों एक ही बात हुई जी, जो भी कहें आप, आपको जो कहना पसंद है वो कह दें आप। तो यहाँ पर मैं भिंडी बना रही, थोड़ा साथ आपको बता रही थी कि देखे धूप किस कदर हो चुकी है, तेज़ तरीन किस कदर तेज़ धूप है। तो मैं तो धूप से बचती रहती हूँ इन दिनों, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरी बचत भी हो रही है धूप से, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि गर्मियों में अभी तक तो मुझे फ़िलहाल गर्मी नहीं आई है, क्योंकि मैं अपने आप को धूप से बचा रही हूँ इन दिनों। तो आप लोगों ने भी बचाना है, गर्मी से बचना है, धूप से बचना है, तो इंशाल्लाह आप लोग एक्टिव रहेंगे, ठीक रहेगी, गर्मी से बचे रहेंगे। तो यहाँ पर मैं भिंडियाँ बना रही थी और साथ नमक मिर्च मसाले ऐड कर रही थी मज़े के। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वैसे मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर ही नहीं की है, तो ट्राई क्या करोगे, मैंने आपको कुछ बताया नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं भिंडी बना रही थी
और साथ बना रही थी रोटी। और आज का दिन है सैटरडे का, सैटरडे के दिन मैंने वीडियो भी बनाई और सैटरडे के दिन मैंने वीडियो अपलोड भी करनी है। तो गर्मी का मौसम था और गर्मी के मौसम में बच्चों को छुट्टियां भी हो चुकी थी, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, वहाँ पर आपको पता है सब बच्चों को छुट्टियाँ भी हो चुकी थी। और यहाँ पर हमारा खाना ख़त्म हो चुका था तैयार, तो भिंडी मैंने सालन भी मैंने बना लिया था और साथ मैंने रोटी बना ली थी और अब हम खाने लगे हैं। जिस जिसने मेरी यूट्यूब फैमिली ने और जिस जिसने खाना खाना है आज है वेलकम जी। खाना रेडी हो चुका है, अब हम खा रहे खाना, फिर इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, अच्छे अच्छे लाइक्स कीजिएगा, अच्छे से चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपकी होस्ट आपकी सिस्टर जन्नत सिस्टर। तो बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, आप लोगों ने मेरी वीडियो का कंप्लीट वॉच करने का, यहाँ तक मेरे साथ रहने का जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक अच्छे से अंदाज में, एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हमेशा दुआ में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन।